हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 12 एयर वाटर एंड वेदर कंटिन्यू करते हुए अब हमको पढ़ना है बेटा फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, बादल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस टेक्स प्लेस ऑल द टाइम ड्यू टू द हीट ऑफ सन। इवेपोरेशन जो होता है वाटर का, ठीक है, वाटर बॉडीज के, तो जैसे रिवर में आपने देखा होगा, लेक्स में, ओशंस में, इन सारे जगह पे आप देखते होंगे हर समय सूरज की रोशनी की वजह से इवेपोरेशन होता रहता है। यानी कि अर्थ पर जो भी वाटर बॉडी है, जो भी रिवर लेक आपको दिख रहा है, उस सबका वाटर क्या होता है, इवेपोरेशन के थ्रू इवेपोरेट होता है, यानी कि भाप बनकर एटमोसफियर में जाता रहता है। द वाटर वेपर इन द एयर राइजेज अप इन टू द एटमोसफियर, जो वाटर वेपर है एटमोसफियर में वो एयर के फॉर्म में फैलता रहता है। व्हेन वाटर वेपर कम्स इन टू कॉन्टैक्ट विद द कूल एयर इन द अपर लेयर ऑफ द एटमोसफियर, इट कंडेंसेस टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ध्यान से सुनिएगा, आपने देखा कि वाटर बॉडी जो भी है अर्थ पे, वहाँ का पानी सूरज की रोशनी की वजह से गर्म होकर भाप बन के ऊपर गया, ठीक है, एटमोसफियर में। अब जब ये एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है बेटा, ये ठंडे हवा के संपर्क में आता है, ठीक है, कूल एयर के संपर्क में आता है, तो ये बूंदें ठंडी होकर के, यानी कि जो गैस फॉर्म था, गैस था ना, ऐसे उड़ रहा था, तो ये क्या होती हैं, ठंडे हवा के संपर्क में आके बूंद बन जाती हैं। बूंद बन बन के क्या होती हैं, इकट्ठा होने लगती हैं। अब देखिए, द वाटर ड्रॉपलेट्स रिमेन सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर बाई हैंगिंग ऑन टू टेनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट इन द एयर। उसके बाद क्या होता है, चूंकि ये बूंदें बन रही हैं ठंडी होकर के, क्या बन रही हैं, पानी की बूंदें बन रही हैं, और एटमॉस्फेयर में डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण होते हैं, उन धूल के कणों में पानी की बूंदें सारी इकट्ठा होकर के क्या बना लेती हैं बेटा, बादल बना लेती हैं। स्मॉल ड्रॉप्स गेट्स टुगेदर एंड फॉर्म बिगर ड्रॉप्स, ये छोटी बूंदें धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं और बड़ी बड़ी बूंदों का रूप रख लेती हैं। व्हेन दे मूव अलॉन्ग इन द एयर, जब ये हवा के साथ चलती हैं, सच वाटर ड्रॉपलेट्स मेक ए क्लाउड, और हवा के साथ चल चल के धीरे धीरे ये बादल बना लेती हैं। दीज क्लाउड्स फॉल ऑन द अर्थ एज रेन, और यही बादल जो हैं वो पृथ्वी पर बारिश बन के बरसते हैं। वाटर वेपर्स आल्सो फॉर्म्स ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड स्नो, और यही जो वाटर वेपर हैं बेटा, यही क्या बनाती हैं, ड्यू यानी कि ओस, इसके अलावा फ्रॉस्ट, फॉग, जो कोहरा आप देख रहे हो, बर्फ देख रहे हो, ये सब भी कैसे बनता है, तो वाटर वेपर की वजह से बनता है। अभी आगे हम लोग इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड कैसे हो रहा है, इवेपोरेशन के बाद वाटर बॉडीज में, वाटर बॉडीज के जो भी वाटर हैं वो एटमॉस्फेयर में चले गए, और वो सारे वाटर वेपर्स जब ठंडे हवा के संपर्क में आए तो वो पानी के बूंदों में कन्वर्ट हो गए, और पानी के बूंदों में कन्वर्ट होने के बाद क्या होते हैं, धीरे धीरे वो डस्ट के पार्टिकल, धूल के कणों में मिल करके बादल जैसी संरचना बनाते हैं और हवा के साथ साथ मूव करते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा ड्यू के बारे में, ओस जिसे कहते हैं। तो क्या होता है, व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन कोल्ड ऑब्जेक्ट्स ड्यू इज फॉर्म्ड, जब ये वाटर वेपर किसी ठंडी चीज पर जाकर के गिरता है, और तब क्या बन जाता है, वहाँ ठंडी चीज़ों पे जाएगा तो वहाँ पे पानी का बूंद बन जाएगा, इसे हम लोग ओस कहते हैं। इन विंटर मॉर्निंग्स यू मस्ट हैव सीन दैट द ग्रास इन द फील्ड्स इज कवर्ड विथ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ठंडक के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा घास पे, खेती बाड़ी में कोई भी चीज़ होती है, अगर पेड़ पौधे लगे होंगे आपके गार्डन वगैरह में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे क्या होंगे, छोटे छोटी बूंदें ऐसे देखने को मिल सकती हैं ड्यू के फॉर्म में। एट नाइट द लैंड कूल फास्टर सो द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस ऑन द ग्रास, रात में क्या होता है, ये जो लैंड होता है बहुत जल्दी से ठंडा होता है, ठीक है, और वाटर वेपर जो होता है बेटा सारे ग्रासेस पे बन जाता है। दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्यू, तो इसे क्या कहते हैं, ड्यू कहते हैं हम लोग। क्या समझे आप लोग, जैसे बादल बन रहा है तो बादल ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में गए, सारी सारे वाटर वेपर्स के यानी कि पानी की कण गए जो कि गैसियस फॉर्म में थे, तो वहाँ पे धूल के साथ मिल करके इन लोगों ने क्या बना लिया, बादल बना लिया हवा के साथ चल चल के। नीचे क्या है कि नीचे ये पेड़ पौधे पत्ती पे कहीं पे भी अगर गए वाटर वेपर्स, और फिर वो ठंडक मिली उनको, ठंडक मैंने बताया था ना आपको कंडेंसेशन की डेफिनेशन की, चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, वाटर वेपर का वाटर में चेंज हो जाना, वाटर वेपर गैस स्टेट है जबकि वाटर क्या होता है, लिक्विड स्टेट है, तो जब भी उसको ठंडक मिलेगी तो वो फिर से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं ड्यू, चूँकि अर्थ पे है हर एक चीज़ पे हम उसको देख सकते हैं।
नेक्स्ट है बेटा फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, चीज़ें जब बहुत ठंडी हो जाती हैं, फ्रॉस्ट में भी फॉर्म फ्रॉम वाटर वेपर। तो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाती है, तो क्या होती हैं, चीज़ें जमने लगती हैं। आपने भी देखा होगा पाला जिसे कहा जाता है, ठीक है, ठंडक में होता है। तो ये जमे हुए जो बर्फ होते हैं ये भी कैसे बनते हैं, वाटर वेपर की वजह से ही बनते हैं, क्योंकि वाटर वेपर ठंडा होगा फिर वो लिक्विड में चेंज होगा, फिर और ज़्यादा ठंडा होगा, किस में चेंज हो जाएगा, वो जाकर के बेटा सॉलिड में चेंज हो जाएगा, फ्रॉस्ट बन जाएगा। व्हेन नाइट्स आर वेरी कोल्ड द ग्राउंड टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0°C, जब रातें बहुत ठंडी होती हैं तो टेम्परेचर 0°C से भी कम हो जाता है। द वाटर ऑन द ग्राउंड फ्रीजेज, जमीन पर जो पानी है वो ठंडा होता है, दिस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट, इसे क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट कहते हैं। अब पढ़ेंगे फॉग और क्लाउड। When water vapor condenses on dust particles in the air, it forms clouds or fog. जब water vapor ठंडा होता है धीरे धीरे, ठीक है, dust particle के साथ, तो ये क्या बनाता है, cloud या fog, यानी कि कोहरा। A fog is really a low cloud close to the ground. Fog क्या है बेटा, एक हम कह सकते हैं low cloud है जो कि हम जमीन पर देख सकते हैं जिसे। द वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक एज वेरी टीनी वाटर ड्रॉप्स, दीज टीनी ड्रॉप्स फॉर्म फॉग। अब क्या होता है, ये जो वाटर वेपर्स होती हैं धुएं के फॉर्म में हमको ठंडक में दिखाई देता है ना, पूरा धुंध धुंध, ये क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, साथ में उनके साथ क्या मिल गए हैं, वाटर वेपर्स मिल गए हैं जो कि पानी के बूंदों में चेंज हो गए हैं, उसी को क्या कहते हैं बेटा, फॉग कहते हैं। तो एक बार फिर से बता दे रही हूँ, फॉग क्या होता है कि वाटर वेपर यानी कि गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर जब डस्ट पार्टिकल्स में मिल जाता है, एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं यहाँ हमारे चारों तरफ के एटमॉस्फेयर में मिल जाता है बहुत ज़्यादा ठंडक में, तो क्या होता है, अर्थ पे ये हमको धुंध की तरह दिखाई देता है, इसी को फॉग कहा जाता है।